जाके दशरथ राजा जी ने यज्ञ किया था। जनक राजा ने भी यज्ञ किया था। विश्वामित्र जी ने भी यज्ञ किया और भरत जी ने भी यज्ञ किया था। दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान पुत्र के रूप में मिल गए राम जी। जनक राजा ने धनुष यज्ञ किया था, भगवान राम दामाद के रूप में मिल गए। विश्वामित्र जी ने लोक हित के लिए यज्ञ किया था, तो भगवान उनको शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में मिल गए। और भरत जी ने यज्ञ किया तो सारी दुनिया जिस भगवान को याद करती है वो भगवान भरत जी को याद करते थे। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। जग जिस राम को जपता है वो राम उस भरत जी को याद करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही। तो भरत जी ने कौन सा यज्ञ किया था? भरत जी ने जप यज्ञ किया था, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में घोषणा की कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। भरत जी ने वो जप यज्ञ किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप कहते हो कि भगवान का नाम जपो तो आनंद आता है, शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, पर मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मुझे आनंद नहीं आता, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं बहुत नाम जपता हूं। गोस्वामी जी ने कहा अभी मुझे भूख लगी है, कुछ नाश्ता कराओ। बोले क्या खाओगे? गोस्वामी जी ने कहा बेसन के लड्डू बनाओ। वो बनाने बैठा, तुलसीदास जी ने कहा शक्कर मत डालना। बोले मिश्री डालूं? बोले नहीं, कुछ नहीं, शक्कर बिना का लड्डू। उसने तैयार कर दिया, लो महाराज खाओ। तुलसीदास जी ने कहा पहले तुम खाओ। वो मुंह में रखा टुकड़ा तो अच्छा नहीं लगा। बोले महाराज फीका है बिल्कुल, मिठास तो है ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? इसमें घी है, बेसन है, सेका है अच्छी तरह, काजू भी डाले हैं, बादाम भी है, तो खा ना। बोले नहीं अच्छा ही नहीं लगता, इसमें मिश्री नहीं है ना, मिठास नहीं डाली, तो इसको लड्डू कैसे कहें? तुलसीदास जी ने कहा जैसे इसमें सब कुछ है पर केवल मिठास नहीं डाली तो लड्डू तुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसी प्रकार तू भगवान का नाम तो जपता है पर श्रद्धा और प्रेम की मिठास नहीं डाली तूने, बस बाकी सब प्रेम की मिठास डालता तो तुझे आनंद आता भाई। तो भरत जी ने श्रद्धा और प्रेम की मिठास डाल दी थी। श्रद्धा और प्रेम की मिठास डालते हुए उन्होंने ये जप यज्ञ किया था। प्रभु चरण की, गुरु चरण की रति भक्ति जब शिष्य बढ़ाता है तब उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों को दूर कैसे करें आप और हम, वो थोड़ा समझ लें। एक विघ्न आता है जिसे बोलते हैं पाप जन्य अनर्थ। पाप जन्य अनर्थ माना ना समझी है। जैसे हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद उसको समझाता था पर वो कोई बात मानने को राजी नहीं था। पंचदशी नामक ग्रंथ में परमात्म प्राप्ति के चार प्रतिबंध बताए।
बुद्धि की कमजोरी, सही बात को सही मानने को राजी नहीं, तो बुद्धि की कमजोरी है। तभी तो कुतर्क, वो तरह तरह के तर्क लड़ा देगा, मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा पहले पैदा हुआ। अब इसका क्या जवाब दें? जवाब वैसे है इसका हमारे पास, परंतु सामने वाला जो कुतर्की होता है ना, कोई प्रश्न करेगा, जवाब भी उसने जो अपने मन में पहले से सोच रखा है वो जवाब दो तो उसको संतोष होगा। अगर कोई और शास्त्रीय ढंग से हम जवाब दें तो बोले नहीं, हम नहीं मानते। एक बुद्धि की कमजोरी, एक कुतर्क, और तीसरा प्रतिबंध भोग आसक्ति, चौथा प्रतिबंध विपर्य। जो शरीर एक दिन जल जाएगा उसी को मैं मान बैठे कि बस मैं ये हूं। ये चार प्रतिबंध बताए पंचदशी में। पाप जन्य अनर्थ के अंतर्गत पहली बात आती है ना समझी, सही बात मानने को राजी नहीं। दूसरा, पाप जन्य अनर्थ के पांच प्रकार, अस्मिता, अपना बड़प्पन। एक आदमी की पत्नी बाजार में सब्जी लेने को गई। बहने जाती हैं शाम के समय या कभी जब समय की अनुकूलता हो, तो सब्जी लेने गई, लौट कर आई तो पति को कहा कि आजकल दुनिया में झूठे लोग बहुत हो गए, झूठ झूठ झूठ। बोले क्या हुआ? वो पत्नी कहने लगी कि पतिदेव, रास्ते में मैंने देखा एक भिखारी भीख मांग रहा था और वो कह रहा था भगवान के लिए इस अंधे को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर इस अंधे को कुछ दे दो। तो मुझे दया आई कि बेचारा अंधा है, इसको कुछ दूं। मैंने उसको कुछ दिया, एक दो चार रुपए दे दिए। तो वो कहने लगा, सुंदरी भगवान तुझे खुश रखे। उसने मुझे सुंदरी कहा, इसका मतलब वो देख पाता था। पहले कह रहा था भगवान के नाम पर इस अंधे को कुछ दे दो, पर मैंने जब उसको दिया तो कहने लगा सुंदरी भगवान तुझे खुश रखे। पति बोला, उसने तुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ, सही कहते, उसने तुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ, तब तो वो जरूर अंधा ही होगा, तुझे उसने सुंदरी कहा। हर आदमी अपने को बहुत स्मार्ट मानता है, बस मेरे से सुंदर और कोई इस धरती पर होगा ही नहीं। आईना देखता है ना कोई भी आदमी तो बस हम कितने सुंदर लगते हैं, फिर घुमा घुमा कर चेहरा देखते हैं, साइड पोज कैसा लगता है, इधर से कैसा लगता है। आईना देखो, मेरी मना नहीं है, मैं भी देखता हूं। आईना देखो, मेरी मना नहीं है, परंतु ये बात ध्यान में रहे कि जिसको हम सजा रहे हैं वो शमशान की धरोहर है, बस इसमें आसक्ति नहीं करना है। ठीक है, व्यवहार में अब मिलना जुलना पड़ता है तो जरा साफ सुथरे स्वच्छ ढंग से रहें, परंतु भीतर से ये याद रखें कि जिसको हम संवार रहे हैं, कंघी घुमाए ना बालों में, बाल संवारे तो सोचना कि ये तो एक दिन जल जाएंगे, सूखा घास जलता है ऐसे। तो पाप जन्य अनर्थ के अंतर्गत पांच बातें आती है, एक नासमझी, एक अपना बड़प्पन, मैं कुछ हूं, तीसरा राग। जिसके प्रति राग हो जाता है ना, जिसको आजकल के कॉलेज के लड़के लड़कियां मोहब्बत बोलते हैं, उसको राग बोलते हैं संत लोग, आसक्ति बोलते हैं, धोखा बोलते हैं। तो जिसके प्रति राग हो जाता है ना, उसके दोष दिखाई नहीं देते। ये एक बहुत विचारणीय बात है, जिससे राग होता है उसके दोष दिखाई नहीं देते, बहुत गहरा राग हो गया। इसलिए भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा गए कुब्जा, वो कंस के लिए अंग राग लेकर, जिसको हम लोग उपटन कह दो, वो कंस के पास ले जा रही थी। वो
कृष्ण भगवान ने कहा कुब्जा सुंदरी वो अंगराग मुझे देगी, कुब्जा ने दिया, दिया तो भगवान ने उसको सचमुच में सुंदरी बना दिया, उसका कुब्जापन दूर कर दिया। कुब्जा ने अंगराग भगवान को दिया, तो आप और हम भी अपना अंगराग भगवान को दें। अंगराग का मतलब होता है, अंगराग शब्द प्रतीक है भागवत में, प्रतीकात्मक है। अंगराग का मतलब हम अपने जीवन का राग भगवान को दें, बस किसी व्यक्ति को ना दें। तो अपने जीवन का राग भगवान को सौंपे। सीता जी बैठी हैं चित्रकूट में, राम जी उनकी गोद में सिर रख कर लेटे हैं, इंद्रपुत्र जयंत ने उनके पैर में चोंच मारी और खून निकला सीता जी के पैर में से। राम जी ने तुरंत वहां बूटी आदि लगा दी, खून बंद कर दिया। अब देखो हनुमान जी लंका में गए सीता जी की खोज में, लंकिनी ने उनका रास्ता रोका, हनुमान जी ने उनके सिर पर जोर से मुक्का दे मारा और लंकिनी के मुंह से खून निकला, रक्त निकला। हनुमान जी ने उसके मुंह का रक्त निकल रहा था बंद करने की कोई कोशिश नहीं की, भले निकले। आपने सुना होगा संतों के बारे में, कई संतों को बोलते हैं ये बड़े विरक्त संत हैं, ये विरक्त महात्मा हैं, ये विरक्त साधु हैं। विरक्त, विरक्त, रक्त कहते हैं वैसे साधारण भाषा में, देखे रक्त खून को कहते हैं ना, ब्लड को रक्त हिंदी भाषा में उसको रक्त कहते हैं। और ये रक्त जो है शब्द वो राग का प्रतीक है। लंकिनी पहले हनुमान जी को कह रही थी मैं तुमको मार कर खा जाऊंगी, और जब उसके मुंह से रक्त निकल गया तब वही लंकिनी हनुमान जी को कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तुल न ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। वही उनको कहती है जाइए प्रवेश कीजिए सारा काम कीजिए, पहले रास्ता रोक रही थी पर अब रक्त निकल गया। यानी संसार के प्रति या संसारी भोगी आदमी के प्रति जो राग है वो राग का रक्त निकल जाए। काली नाग श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था, भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर चढ़कर नृत्य किया, काली नाग के मुंह से रक्त निकला तो वो भी भगवान की शरण हो गया। ये रक्त निकल जाए मानी राग जो है कहीं वो निकल जाए। पाप जन्य अनर्थ के अंतर्गत ये बातें आती है, ना समझी, अपना बड़प्पन, राग किसी से हो जाए, और चौथा द्वेष, किसी से शत्रुता हो जाए। कोई हमसे दुश्मनी रखता है तो उसके कर्म वो जाने, पर हम अपने दिल में किसी के लिए दुश्मनी का द्वेष का भाव न रखें। कोई रखे तो उसकी मर्जी, उसका कर्म उसके साथ है। तो बोले इसका मतलब जो बदमाश है उससे भी हम दोस्ती करें? नहीं नहीं, उससे दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उससे दुश्मनी करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से फिर उपेक्षा वृत्ति, न राग न द्वेष, उपेक्षा वृत्ति। माने आप बाजार से जाते हो तो कहीं गंदगी पर नजर पड़ती है तो ऐसा थोड़ी सोचते हो इसको उठाकर घर ले जाऊं, नहीं, उपेक्षा वृत्ति से उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना समझी, बड़प्पन, राग, द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मौत से डरना या दुखों से डरना, अभिनिवेश। अब दूसरा है पुण्यजन्य अनर्थ। पुण्यजन्य अनर्थ माना पहले के जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं तो इस जन्म में संपत्ति खूब मिल गई, सुविधा खूब मिल गई, गाड़ी भी है, सब कुछ है, अपना बिजनेस है,
परंतु ये सब पाकर देने वाले को भूल गए। बोले अब हमारे पास तो गाड़ी है, मकान है, ये है, हमको सत्संग में जाने की क्या जरूरत। पर बड़े बड़े राजे महाराजे भी जाते थे, तो भाई तू लखपति करोड़पति हो गया तो सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। तो फिर पुण्य का पीरियड पूरा हो जाता है, तो फिर वही बड़ा आदमी करोड़पति रोड़पति बन जाता है बेचारा। देने वाले को भूल गया, इसलिए तो एक पापजन्य दूसरा पुण्यजन्य। संपत्ति सुविधा अधिक हो, भगवान ने दिया हो, तो उल्टा ज्यादा स्मरण करें कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे मेरी लायकत से ज्यादा दिया है। तीसरा अपराध जन्य अनर्थ। अपराध जन्य अनर्थ माना कि कोई समझो उसने दीक्षा ली है किसी भी संत से गुरु से, पर वो कुछ गलत काम करता है और सोचता है कि कल हम जरा पांच माला ज्यादा कर लेंगे तो इस अपराध से इस दोष से छुट्टी मिल जाएगी। जानबूझ कर जानता भी है कि गलत है फिर भी करता है, और फिर सोचे कि कल दो माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो इससे छूट जाएंगे। तो एक बार गलती की और दो पांच माला ज्यादा की तो छूट जाएगा, पर फिर बार बार वही गलती करे, फिर बार बार पांच माला अधिक करे, बोले मैं छूट जाऊं, तो वो आदमी नहीं छूट पाएगा, संभव नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपराध जन्य अनर्थ, की हुई गलती को बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, बार बार करता रहे। अपराध जन्य अनर्थ के बाद आता है चौथा प्रतिष्ठा जन्य अनर्थ। इसके दो प्रकार है, एक तो समाज में प्रतिष्ठा बहुत है, लोग बड़ा सेठ मानते हैं, हम तुमको बड़ा नेता मानते हैं, या बड़ा क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में सोशल वर्कर, या कोई बड़ा समाज सुधारक। एक ये कई लोग जो समाज सुधारक का पद लेकर घूमते हैं, तो संत लोग सोचते हैं कि समाज सुधारक बन के घूमते हैं तो इन सुधारकों को कौन सुधारेगा। जय राम जी की। इस सुधारक जो बन गए इन सुधारकों को कौन सुधारेगा। पाप जन्य अनर्थ, पुण्य जन्य अनर्थ, अपराध जन्य अनर्थ, प्रतिष्ठा जन्य अनर्थ, और पांचवा एक और भी है छोटा, मनोराज जन्य अनर्थ। कई लोग बैठे होते हैं ना, लगता है कि शांत बैठे, पर भीतर गाड़ी चलती रहती है ख्यालों की, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा, पांचवा, छठा। आप अपने घर में कमरे में एसी चलाकर बैठो 10 घंटे तक, 10 घंटे आप एसी रूम में बैठे हैं, कोई खिड़की खुली नहीं है, एसी चल रहा है, बाहर से कोई मिट्टी आई नहीं है, पर फिर भी आपको होगा कि अब जरा फ्रेश हो जाऊं, नहा लूं, कपड़े बदल लूं, ऐसा होगा। अब एसी रूम में कोई काम नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं, एसी चल रहा है, पसीना नहीं आया, कोई मिट्टी नहीं आई, फिर भी नहाने की इच्छा होती है, कपड़े बदलने की इच्छा होती है, तो मन सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो उसकी भी तो शुद्धि की, सफाई की आवश्यकता है। कई लोग बहुत ख्याली घोड़े दौड़ाते रहते हैं, मनोराज नहीं होगा। ये भक्ति में रुकावटें हैं सब, इसलिए मैं आपके आगे रख रहा हूं कि आप और हम इन रुकावटों के कारण अपनी साधना से, भक्ति से गिर न जाएं, पीछे हट न करें।